दोस्तों, एक बार राक्षस टीवी में देखता है कि राजू ग्रैनी को बहुत सारे पैसे देता है। तभी उस राक्षस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस पैसे को चुराने के लिए ग्रैनी के पास चला जाता है। तभी वो राक्षस नीचे गिर जाता है। तभी ग्रैनी को आवाज आ जाती है और ग्रैंडपा भागते हुए आते हैं। फिर वो दोनों खिड़की से देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये चोरी करने के लिए आया है। फिर ग्रैंडपा ग्रैनी के कान में कुछ कहते हैं। फिर ग्रैनी खिड़की के पास एक पिंजरा लगा देती है और ग्रैनी गेट के सामने बहुत सारे कंचे बिछा देती है। तभी वो राक्षस जैसे ही खिड़की से अंदर आता है तो उसका पैर पिंजरे के अंदर फंस जाता है। फिर वो राक्षस बड़ी मुश्किल से पिंजरे से बाहर निकल जाता है और वो राक्षस जैसे ही आगे जाता है तो वो फिसल कर नीचे गिर जाता है। तभी राक्षस खड़ा होकर फिर से सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगता है और उस राक्षस के पीछे से बहुत सारे तीरों की बारिश होने लगती है और वो राक्षस तीरों से बच जाता है। तभी राक्षस जैसे ही उन पैसों की पोटली को लेने के लिए जाता है तो सीधा राक्षस नीचे चला जाता है। तभी ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों हंसने लगते हैं।